मजदूरों की हो गई हत्या। ऐसा मारा जा रहा है कि जैसे कि किसी जानवर को काटा जा रहा हो। पुलिस की वर्दी में दरोगा ने महिला के साथ किया डांस, बड़े ही मस्ती में कर रहे हैं डांस। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सत्यन अहमद सैफी, आज फिर से हम आप लोग के लिए दो अपडेट न्यूज़ लेकर के आए हैं। पहली न्यूज़ तो हमारी ये है कि दरोगा ने पुलिस की वर्दी में महिला के साथ मारे ठुमके और किया जबरदस्त डांस, लोग ले रहे हैं कमेंट में मजे। दूसरी न्यूज़ है हमारी, कैसे 10 लोगों की हत्या हो गई और चाकू से क्यों मारा जा रहा है। आज हम इन दो बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग सभी को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चीन कोरोना छोड़ने वाला है और ये चीन कोरोना अब दोबारा से होने वाला है और इस बार ये महामारी बहुत ही महत्तम मचाएगी और बहुत ही ज़्यादा कोरोना इस बार फैलेगा और इसका कोई एंटीट्यूड भी नहीं है। अगर शायद एंटीट्यूड बन गया है तो कोरोना से लोगों को बचाया जा सकता है अगर चीन ने अगर कोरोना छोड़ दिया तब। लेकिन फिलहाल आते हैं आज की ताज़ा खबर पर। अब इन दोनों खबरों में से सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की कि पुलिस अपनी वर्दी में महिला के साथ क्यों डांस कर रही है। एक इंस्पेक्टर दरोगा एक महिला के साथ डांस कर रहे हैं और लोगों के सामने जब ये वीडियो आया तो लोग कमेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहे हैं और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं। एक शख्स ने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अगर इन सब नौकरियों को छोड़ दिया जाए और मुंबई में ही कुछ ऐसा किया जाए। तो इसकी जानकारी के लिए आप ये हमारा छोटा मोटा वीडियो देख। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये हमारा छोटा मोटा वीडियो तो देख ही लिया होगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। फिलहाल अब आते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। अब हमारी दूसरी खबर होगी कि कैसे 10 लोग मजदूरों की हत्या हो गई। 10 मजदूर अपनी छुट्टी लेकर के होली की अपने घर जा रहे थे, अचानक से ट्रेन में यात्रियों के सफ़र में कुछ लोग दखल दे देते हैं और जो हिंदी बोलता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। और एक फोटो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि सड़कों पर भगा भगा करके इस तरह चाकू से वार कर रहे हैं कि जैसे कि किसी जानवर को काटा जा रहा हो या मारा जा रहा हो, इस तरीके से वार कर रहे हैं। आप ये हमारा छोटा मोटा फोटो देख सकते हैं कि किस तरह ये वार कर रहे हैं। वैसे तो आपने थंबनेल पर भी हमारा ये फोटो देख ही लिया होगा, लेकिन आप दोबारा से ये फोटो देख सकते हैं बराबर में लगी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये फोटो तो देख ही लिया होगा कि खतरनाक मारा जा रहा है। ऐसे में ही एक शख्स को उठा दिया जो कि तमिलनाडु में ही काम कर रहा था। इस शख्स का नाम है कंचना रविदास। कंचना रविदास से पूछा गया कि आपको ये खबर कैसे मिली, तब उन्होंने बताया कि गरीब मजदूरों ने वीडियो बना कर के सोशल मीडिया पर अपलोड करी, लेकिन उससे पुलिस ने वीडियो तो देखी मगर पुलिस ने उससे ना ही कोई एक्शन लिया ना ही कोई FIR लिखी, लेकिन मतलब पुलिस ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं और पुलिस ना ही अब कोई एक्शन ले रही है और लोगों को ये लोग मार रहे हैं। पता नहीं क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही है और बेफालतू को बिना बेगुनाह मजदूरों को जान दी जा रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस तो सभी कुछ देख रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है। पता नहीं क्यों पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या पता अगर पुलिस ये एक्शन ले लेती तो ये इतने सारे मजदूरों की बेगुनाह मजदूरों की जान ले ली गई है, ये जान ना ली जाती। आप लोगों ने ये फोटो में तो देख ही लिया हुआ कि कितना दर्दनाक मारा जा रहा है बेगुनाह मजदूरों को। पता नहीं क्यों हिंदी तो हम सभी बोलते हैं लेकिन हिंदी से लोगों को कैसी ऐसी दुश्मनी हो गई है जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, उससे पता नहीं क्यों लोगों को इतनी दुश्मनी हो गई है जो हिंदी के पीछे तमिलनाडु में
लोगों को मारा जा रहा है और वो भी बिना बेगुनाह मजदूरों को। लेकिन फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, पुलिस भी कोई रिएक्शन नहीं ले रही है, ना ही कोई FIR दर्ज करा रही है जो कि ये एक्शन लिया जा सके और इन मजदूरों जो इन बेगुनाह मजदूरों को मार रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया जा सके। लेकिन फिलहाल अब हम भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिलहाल आज की जानकारी के बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप लोग हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर करें ताकि क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग हमें अपना सपोर्ट ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।